नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो चार का चक्रव्यूह। राज्यों को आरक्षण के लिए ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाले संविधान संशोधन विधेयक को आज केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब उसी कार्य के लिए ये नया विधेयक लाया जा रहा है। इससे देश भर में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए राहत मिलेगी और इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई और दलों की ओर से भी आरक्षण की 50% सीमा को भी हटाने की मांग की जा सकती है। कई ओबीसी संगठन लंबे समय से आरक्षण के लिए तय 50% सीमा को हटाए जाने की मांग करते रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी नए बिल को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। चार के चक्रव्यूह में सभी मुद्दों पर बात होगी। लोकसभा में आरक्षण बिल लाने से लेकर राहुल गांधी के श्रीनगर दौरे के मायने भी आपको बताएंगे। वहीं यूपी में कांग्रेस के चुनाव को लेकर उनके नए कलेवर का चक्रव्यूह भी आपको बताएंगे और यूपी में बाढ़ से कहां क्या हालात हैं ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत। आज से संसद के मानसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है। हालांकि माना जा रहा था कि आखिरी सप्ताह में संसद में हंगामा नहीं होगा, लेकिन आज भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। दरअसल लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया है और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया है। इस बिल के जरिए राज्य सरकारें ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बेगागस्त किसान और कई मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी खूब हंगामा हुआ। संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में आज लोकसभा में आरक्षण से जुड़ा अहम बिल पेश किया गया है। इस बिल के पारित होने से ओबीसी वर्ग को एक बड़ा फायदा हो सकता है। केंद्र सरकार इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार देने वाली है। जानकारों का मानना है कि इस विधेयक को संसद में पास कराने में कोई खासा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस बिल के विरोध में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। हालांकि संसद में हंगामे के पूरे आसार थे और संसद में हंगामे के बीच ही बिल पेश किया गया। राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने वाला ये 127वां संविधान संशोधन बिल है। हाल ही में कैबिनेट में इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। संसद के दोनों सदनों में पास होते ही ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा। बता दें कि सोमवार को संसद में 6 विधेयक पेश किए जाने हैं और ऐसे में इसमें ओबीसी आरक्षण विधेयक बिल के अलावा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन बिल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बिल, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल और द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइबर्स ऑर्डर बिल है। संविधान के अनुच्छेद 342 से और 367C में संशोधन को अगर आज संसद में मंजूरी मिल जाती है तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी भी जाति को ओबीसी आरक्षण की सूची में रख सकते हैं। बता दें कि मराठा, जाट, पटेल, लिंगायत सहित कई वर्ग लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अगर भारत में आरक्षण के इतिहास की बात करें तो इसके लिए हमें कई सालों पीछे जाना होगा। दरअसल भारत में आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके लिए कई राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय समय पर कई आंदोलन किए गए, जिनमें राजस्थान का गुज्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन और गुजरात का पाटीदार आंदोलन प्रमुख है। आखिर क्यों दिया जाता है आरक्षण? भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिक भाषाएं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। भारत की संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है। ज्योतिराव फूले ने भारत में रखी थी आरक्षण की नींव।
भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस दौरान विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तथा अंग्रेज सरकार की नौकरियों में अनुपातिक आरक्षण प्रतिनिधित्व की मांग की थी। इसके बाद 1891 के आरंभ में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सार्वजनिक सेवा में योग्य मूल निवासियों की अनदेखी और विदेशियों को भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में भारतीयों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में शाहू महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई। ये अधिसूचना भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश है। वहीं 1908 में अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारी जातियों और समुदायों के पक्ष में प्रशासन में जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा था के लिए आरक्षण शुरू किया गया। 1909 में और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी का जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया। इस पत्र में गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया जो पूना समझौता कहलाता है। इस प्रस्ताव में दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। आजादी के बाद भारत में आरक्षण इन घटनाक्रमों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछले वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएं रखी गई हैं। इसके अलावा 10 सालों के लिए उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए थे, जिसे हर 10 साल के बाद संवैधानिक संशोधन के जरिए इन्हें बढ़ा दिया जाता है। काले लकर आयोग में आरक्षण की सिफारिश पर फैसला 1953 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए काले कर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन अन्य पिछड़ी जातियों के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। देश में क्या आरक्षण की वर्तमान स्थिति मौजूदा दौर में अगर भारत में आरक्षण की स्थिति की बात करें तो केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा में 49.5% आरक्षण दिया है। वहीं विभिन्न राज्य आरक्षणों में वृद्धि के लिए कानून बना सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में 68% और 87% तक आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, जिसमें अग्रणी जातियों के लिए 14% आरक्षण भी शामिल है। भारत में आरक्षण के प्रकार भारत में कई तरह के आरक्षण देने का प्रावधान है, जैसे जाति आधारित आरक्षण, प्रबंधन कोटा, जेंडर पर आधारित आरक्षण, धर्म आधारित आरक्षण, राज्य के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षण, पुनर्स्नातक के लिए आरक्षण, आरक्षण के लिए अन्य मानदंड सहित सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षण, शहीदों के परिवार को मिलने वाला आरक्षण और अंतर जातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों के लिए आरक्षण शामिल है। हालांकि अनुच्छेद 342 से और 367 सी के संशोधन विधेयक पारित होने से राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। राहुल गांधी का राजनीतिक जिंदगी में उतार चढ़ाव ही नहीं, कई ऐसे पड़ाव भी आते हैं जिन्हें उनके लिए भूल पाना ही बेहतर होता है। अक्सर ही कुछ वक्त बीतने के बाद राहुल गांधी को नए अवतार में देखने के लिए मिलता है और हर बार वो नए एनर्जी लेवल के साथ खुद को प्रोजेक्ट भी करते हैं। कुछ दिन तक तो रफ्तार बनी रहती है, लेकिन फिर रूटीन में आने के बाद बस ट्विटर तक ही सिमट कर वो रह जाते हैं और ट्विटर की ताजा एक्शन ही राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सबक है।
विपक्षी खेमे के बीच सबसे राहुल गांधी जब से एक्टिव हुए हैं रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज हो चली है। रफ्तार में एक बड़ा रिस्क हमेशा रहता है, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। जी हाँ, दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी का एक्टिव मोड इतना एक्टिव हो गया है कि आज वो श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संसद से सड़क के रास्ते जंतर मंतर तक विपक्ष को साथ लेकर आगे आगे चल रहे राहुल गांधी अचानक दिल्ली में ही एक ऐसे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचते हैं जो अपनी 9 साल की बच्ची को खो चुका होता है। परिवार का आरोप है कि बेटी के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई और फिर आरोपियों ने की अंतिम संस्कार भी कर दिया। बहरहाल पुलिस हरकत में आती है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे मौकों पर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होते अक्सर नजर आते हैं। कठुआ और उन्नाव रेप के खिलाफ इंडिया गेट पर कैंडल मार्च तो भाई बहन ने मिलकर किया ही था। वहीं हाथरस तक भी प्रशासनिक रोक के बावजूद पहुंच ही गए, लेकिन हड़बड़ी में कई बार हादसे भी हो जाते हैं। दरअसल दिल्ली के पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करना भी रफ्तार भरी राजनीति के चलते हुआ हादसा ही लगता है। भले ही राहुल गांधी की टीम में से किसी ने वो तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, लेकिन जिम्मेदारी तो राहुल गांधी की ही बनती है और वो ट्वीट हटाकर ट्विटर ने एक्शन के साथ राहुल गांधी को आगे के लिए नसीहत भी दे दी है। ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचते ही जिस तरह राहुल गांधी एक्टिव हुए, तृणमूल कांग्रेस नेता के लौट जाने के बाद भी उसी रफ्तार से विपक्ष के नेताओं का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं और आज वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी जाने वाले हैं। ये तो तय है कि जम्मू कश्मीर की धरती से भी राहुल गांधी धारा 370 पर बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कदम के खिलाफ अपना स्टैंड दोहराएंगे। मुश्किल ये है कि अगर अपने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार कोई नया विवाद खड़ा कर देते हैं तो फिर से रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा, वो भी ऐसे समय में जबकि यूपी और पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने में करीब 6 महीने का ही वक्त बचा है। राहुल गांधी एक खास अंतराल के बाद रफ्तार तो पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर सावधानी हटते ही दुर्घटना भी घट जाती है और किसी भी दुर्घटना के बाद उभरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। ये वक्त किसी काम में एक कदम आगे बढ़कर तो 2 कदम पीछे खींचने जैसा हो जाता है और नतीजों में पीछे रह जाना पड़ता है। ट्विटर के राहुल गांधी की पोस्ट हटाए जाने के बाद वो 2 साल बाद फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। विपक्षी नेताओं को मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में जुटे होने के बावजूद इस बार वो अकेले जा रहे हैं। साल 2019 में वो विपक्षी नेताओं को साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट से ही उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में राहुल गांधी को एक्टिव ही नहीं काफी हद तक सफल भी देखा जा रहा है। ये ठीक ही है कि राहुल गांधी की विपक्षी दलों के साथ बैठक में ज्यादातर पार्टियों के बड़े नेता नहीं होते और बीएसपी आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल दूरी भी बना लेते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के बीच राहुल गांधी अपना मैसेज देने में कामयाब रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर विपक्षी खेमे में पुरानी धारणा बदलने लगी है। बताते हैं कि वो सभी के साथ सम्मानजनक तरीके से पेश आते हैं और अपनी बात कहने के साथ साथ उनकी राय जानने की भी कोशिश करते हैं। कोशिश होती है कि विपक्ष के नेताओं को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिले और ऐसी कई बैठकों के बाद राहुल गांधी सबके साथ मीडिया के सामने आते हैं और अपनी बात कहते हैं। बातें तो नई नहीं होती, लेकिन उनके आसपास कांग्रेस के कुछ नेताओं के अलावा अब विपक्षी चेहरे भी नजर जरूर आते हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। दरअसल राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा एक पंथ दो काज है। सूबे के कांग्रेस प्रमुख गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी और उसमें शिरकत करने के बाद राहुल गांधी की पार्टी के स्टेट मुख्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के भीतर 2 गुट बने हुए हैं, एक तो गुलाम नबी आजाद का और दूसरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर का जो राहुल गांधी के होस्ट बनने वाले हैं। वहीं विपक्षी खेमे
हाल तक भाव नहीं मिलने से परेशान रहे राहुल गांधी के लिए जम्मू कश्मीर दौरा बड़ा ही अहम और नाजुक होगा। अब तक तो यही देखा गया है कि राहुल गांधी ऐसे मौकों पर कोई न कोई ऐसी बात कह देते हैं कि बस बवाल मच की जाता है, और राहुल गांधी के सलाहकारों को ध्यान रखना होगा कि जम्मू कश्मीर पर अपने बयान से वो कोई विवाद न खड़ा करते और वो कोई नई मुसीबत न मोल ले। वहीं कांग्रेस का स्टैंड जम्मू कश्मीर पर पुरानी स्थिति बहाल करने की रही है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के लिए कश्मीरी नेताओं को दिल्ली बुलाया था, तब भी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पहले स्टेटहुड और फिर चुनाव के पक्षधर दिखे थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में पूरी स्थिति पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी, और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सामने आकर इसे दिग्विजय सिंह की निजी राय जैसा कोई बयान भी जारी नहीं किया है। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद भी जम्मू कश्मीर गए थे, लेकिन साथियों के साथ वो मोदी सरकार के पक्ष में ही खड़े आए और उनके इस एक्ट को कांग्रेस में बने G23 की बगावती गतिविधियों से ही जोड़कर देखा और समझा गया। दरअसल कांग्रेस की G23 ग्रुप के नेता भी गुलाम नबी आजाद ही हैं। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर निकले थे तो उनके साथ आजाद के अलावा कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के भी कई नेता शामिल थे। केसी वेणुगोपाल, आनंद शर्मा, सीताराम येचुरी, डी राजा, माजिद मेमन, मनोज झा और शरद यादव के साथ साथ तब तृणमूल कांग्रेस नेता के रूप में दिनेश त्रिवेदी भी मौजूद थे। तब राहुल गांधी का कहना था कि वो तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बुलावे पर जा रहे थे, लेकिन सबको श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली लौटकर राहुल का कहना था कि हम ये जानना चाहते हैं कि लोग किस स्थिति में हैं और अगर हम उनकी मदद कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से हमें हवाई अड्डे से आगे नहीं जाने दिया गया। हमारे साथ और प्रेस के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया। वहीं अब देखना होगा कि राहुल अपने इस दौरे पर क्या संदेश देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रदर्शन और नारेबाजी का दौर शुरू होने जा रहा है। खुद को फिर से देश के सबसे बड़े राज्य में मजबूत करने में जुटी कांग्रेस अब नए कलेवर में नजर आने वाली है। यूपी कांग्रेस राज्य की योगी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकने जा रही है। क्विट इंडिया की तर्ज पर महंगाई, किसान और बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ रालोद न्याय यात्रा निकाल रही है तो अब कांग्रेस ने भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद का कहना है कि 9 अगस्त को 1942 से अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह अभियान पूरे देश में होगा और हर जिले में 3 दिन पद यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन सहारनपुर जिले में ये 4 दिन तक चलेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 403 निर्वाचन क्षेत्रों में इस विरोध प्रदर्शन को शुरू करने जा रही है। नारा दिया गया है, बीजेपी गद्दी छोड़ो। इसी नारे के दम पर कांग्रेस फिर खुद को यूपी में खड़ा करना चाहती है। रणनीति के मुताबिक हर क्षेत्र में मुख्य बाजार में 5 किलोमीटर तक कांग्रेस का काफिला जाएगा और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करेगा। आज 9 अगस्त है और अगस्त क्रांति के रूप में जब अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे थे तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। आज उसी प्रकार कांग्रेस जन, हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी ने भी नारा दिया है, सभी कांग्रेस जनों ने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम के तहत कि भाजपा गद्दी छोड़ो। वैसे जिन मुद्दों पर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है, अब उन्हीं मुद्दों के सहारे यूपी में भी राजनीति को धार देने की कोशिश है। प्रियंका गांधी भी लगातार किसान, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठा रही हैं। ऐसे में अब जब कांग्रेस का ये नया अभियान शुरू होने जा रहा है तो इस पर प्रियंका की राजनीतिक छाप साफ देखने को मिल रही है।
अब कांग्रेस कार्यकर्ता इसे कितना सफल बना पाते हैं, इस विरोध के जरिए कितने बड़े स्तर पर जनता को एकजुट किया जाता है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अब कांग्रेस जरूर बीजेपी को सत्ता से हटाने का दम भर रही है, लेकिन खुद बीजेपी कांग्रेस को लड़ाई से ही बाहर मान रही है। उनका सारा फोकस तो सपा और अखिलेश यादव पर जा अटका है। यही वजह है कि उनकी रणनीति भी सपा के सियासी समीकरण को समझते हुए बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कहर से हाहाकार जारी है। चंबल, यमुना, गंगा और घाघरा नदी उफान पर है। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है। कई जिलों में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली गई है। कई जिलों में प्रशासन ग्रामीणों को बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचा रहे हैं, तो वहीं सूबे के दो स्टेट हाईवे को बाढ़ की वजह से बंद कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के आगरा, औरैया, जालौन, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज, मऊ और बलिया समेत एक दर्जन से ज्यादा जिलों में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। जालौन के उरई में सेना बुलानी पड़ी तो आगरा में एसडीएम ने डीएम से एनडीआरएफ बुलाने की गुहार तक लगाई है। चंबल और यमुना आगरा जिले में तांडव मचा रही है, तो वाराणसी में गंगा और वरुणा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। मऊ में घाघरा के जल स्तर में थोड़ी कमी जरूर दर्ज की गई, लेकिन कटान का खतरा बरकरार है। फरुखाबाद में भी हालात काफी खराब है। वाराणसी में गंगा किनारे और गंगा की सहायक नदी वरुणा के किनारे बसे हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, जिससे बचने के लिए लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। लोग बाढ़ प्रभावित स्थानों से कहीं और या फिर बाढ़ राहत शिविरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां भी व्यवस्था काफी खराब नजर आ रही है। यूपी के कई जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। गंगा के अलावा कई नदियां उफान पर हैं, जिससे नदियों के किनारे बने रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस चुका है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है और अभी भी बढ़ाव लगातार जारी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 71.36 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 71.26 मीटर से 10 सेंटीमीटर ऊपर है। बाढ़ नियंत्रण में है अभी। जिस रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद बताई गई थी, उतना तो भयावह नहीं है, लेकिन अब गांव में पसरने लगा है और लोगों को अलर्ट कर दिया गया था, तो नीचे पर ज़्यादातर आ गए। कुल 5 ग्राम सभाएं हैं, राजस्व ग्राम, और उसके 13 मजरे। सर, उन लोगों को रहने की कहाँ व्यवस्था की गई है? वो देखिए, यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो हमारे बाढ़ शिविर में नहीं आती, बल्कि चूँकि हर वर्ष ये बाढ़ आती है, इसलिए वो भीके पर अपने अस्थाई झोपड़ी लगाए रहते हैं और उसको आते ही पहले ठीक ठाक कर लेते हैं। वो हम लोगों ने इस बीच में देखा है, लेकिन उनको और कोई दिक्कत ना हो इसके लिए हम वो प्लास्टिक की जो कवर आती है वो मंगवाए हैं, वो भी 4.5 बजे आ जाएगी। उफनाई गंगा के चलते उसकी सहायक नदी वरुणा का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते गंगा और वरुणा दोनों के तटों पर बसे रिहायशी इलाकों में हजारों मकान जलमग्न हो चुके हैं, जिसके चलते बाढ़ ग्रस्त इलाकों से लोगों का पलायन कहीं और या फिर बाढ़ राहत शिविरों की ओर हो चला है। वाराणसी में गंगा किनारे बसे घाट के इलाके की तमाम कॉलोनियां हो या फिर वरुणा के किनारे दर्जन भर करीब और बुनकर बस्ती हो, सभी बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। वाराणसी के वरुणा किनारे से बुनकर और मजदूर बहुल इलाकों में सरैया, अमरपुर, बटलोहिया, शैलपुत्री, नक्खी घाट, पुराना पुल, कोनिया और दीनदयालपुर के लाखों लोगों की हालत ज्यादा खराब है, क्योंकि ये तबका निहायत ही गरीब है और पूरी तरह से किसी भी तरह की आपदा में शासन प्रशासन की आश्रित हो जाता है। और हमारी जो टीम है रेस्क्यू के लिए बलिया में आ चुकी है और हमारे साथ रेस्क्यू ऑपरेशन से जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट है हम ला चुके हैं और हमारी अलर्ट टीम ऑलरेडी पीछे लगी हुई है। जैसे अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है कि भाई इस टीम के अलावा और किसी टीम की जरूरत पड़ती है, तो हमारी टीम अलर्ट पे है, तुरंत यहाँ पे आएगी।
वहीं थोड़ी दूर पर एक अन्य बाढ़ ग्रस्त इलाके के रहने वाले बुनकर मोहम्मद जुनैद ने बताया है कि कोरोना महामारी विस्तार ले रही है और बाढ़ के चलते और मुसीबत पड़ गई है। उनका परिवार मदरसे में रह रहा है और बाढ़ राहत शिविर में खाना और रहने की जगह मिल रही है, इसके अलावा और कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं इलाके के पार्षद हाजी वकास अंसारी ने बताया है कि उनके क्षेत्र के पास ही वरुणा किनारे करीब 3000 मकान पानी में डूब चुके हैं, जिसमें रहने वाले लोग बाढ़ प्रभावित हुए हैं और प्रशासन की ओर से व्यवस्था की है, लेकिन वो भी काफी नहीं है। कई बाढ़ प्रभावित लोग चोरी के डर से अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। जो लोग कुछ मदद भी दी जा रही है वो सिर्फ बाढ़ राहत शिविर के लोगों तक ही सीमित है। वहीं बाढ़ को लेकर नगर निगम की ओर से की जा रही कोशिशों के बारे में प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी राम सकल यादव ने बताया है कि उनकी टीम नगर आयुक्त के साथ पूरे दिन निरीक्षण कर रही है। सिर्फ वाराणसी या आसपास के शहरों में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई और जिलों में भी बाढ़ की वजह से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यूपी के बांदा के चिल्ला में यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है, जिसमें आसपास के कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। वहीं बांदा कानपुर स्टेट हाईवे और बांदा किशनपुर रोड को पुलिस ने बैरिगेड लगाकर बंद कर दिया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में फ्लड पीएससी तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।